Once again, you all are welcome to Score Chemistry platform. So बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपनी IITJ और NEET 2022 की बच्चों प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है और हम बहुत ही बच्चों रेगुलर बेसिस पे आपको इसके रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट और एजुकेशनल वीडियोस बच्चों प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस सीरीज की शुरुआत जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की हुई है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में बहुत ही बच्चों डिटेल वीडियो जाना था। दोस्तों, आज का वीडियो उसी कड़ी का अगला पोर्शन है जिसमें कि हम जानेंगे कि किस तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को बच्चों अफेक्ट करने में अपना रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बहुत ही हमें ध्यान से देखना है क्योंकि ये वीडियो कई सारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों देखिए, अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो जैसा हमने जाना था कि मेसोमेरिक इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट ही अप्लाई होता है। बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? किसी भी एटम या ग्रुप का रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देना या लेना कहलाता है क्या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब बच्चों, अगर कोई भी एटम या ग्रुप रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता या फिर लेता है उससे एसिडिक और बेसिक बिहेवियर पे कैसे असर पड़ता है इसके बारे में बच्चों जानते हैं। बच्चों, इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल हमको फिनॉल के केस में देखने को मिलता है। बच्चों, फिनॉल जो कि एक एरोमेटिक एल्कोहल है, दोस्तों अगर फिनॉल में बेंजीन रिंग नहीं होती है तो ऐसे में बच्चों OH सिंपली OH है, इसका कोई भी बच्चों रेजोनेंस वगैरह नहीं लग रहा है। इस मॉलिक्यूल से बच्चों H+ का निकलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और इस मॉलिक्यूल के अंदर H+ देने के लिए कोई भी बच्चों एडिशनल इंसेंटिव भी नहीं है। अगर ये मॉलिक्यूल H+ निकालता है तो इसमें ऐसा नहीं कि इसकी बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, तो अभी इस मॉलिक्यूल के अंदर H+ निकालने का कोई स्कोप भी नहीं है और ना ही बच्चों इसमें H+ निकालना बहुत आसान प्रक्रिया है। तो एलिफेटिक एल्कोहल्स आर वेरी वेरी वीक एसिड, इनफैक्ट बच्चों ये पानी से भी कमजोर एसिड के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम इस मॉलिक्यूल में साइक्लोहेक्सेन रिंग की जगह पर बेंजीन लगा देते हैं तो क्या होगा? बच्चों, साइक्लोहेक्सेन की जगह पर अगर हम बेंजीन लगाते हैं तो मॉलिक्यूल में ये हिस्सा रेजोनेंस करेगा और आगे चल के रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल में स्प्रेड आउट हो जाता है। लेकिन शुरुआत के लिए हम इतने हिस्से पे देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ पे रेजोनेंस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि OH प्लसिव इफेक्ट वाला ग्रुप है वो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन देने के कारण बेंजीन के ऑर्थो पे माइनस और OH के ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब बच्चों, यही प्लस चार्ज हमारे लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना भी देखें तो भी बच्चों हमारा काम यहां पर हो जाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है? बच्चों, सीन क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए, रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। क्या ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद है? एब्सोल्युटली नो। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको माइनस चार्ज पसंद है। यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज कब तक ही बच्चों स्टेबल नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है और ये अपनी परेशानी को कम करने के लिए इसके पास एक उपाय आएगा कि अगर ये ऑक्सीजन H+ को लूज आउट कर दे, अगर बच्चों ये ऑक्सीजन H+ को लूज आउट कर दे तो H+ के द्वारा ये अपना प्लस चार्ज रिमूव कर सकता है, अपने बुरी चीज को भगा सकता है, अपने दर्द को, अपनी परेशानियों को निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स, रेजोनेंस के कारण O पे प्लस चार्ज आता है और O पे प्लस चार्ज आने से इसके अंदर H+ लिबरेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहां पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि एरोमेटिक एल्कोहल रेजोनेंस के कारण काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं। इनफैक्ट अगर हम इनके K को कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि अराउंड 1000 times एरोमेटिक एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होंगे। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एलिफेटिक एल्कोहल से 1000 times ज्यादा होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि फिनॉल बहुत ही तगड़े बच्चों एसिड होते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वीक एसिड। लेकिन एलिफेटिक एल्कोहल को तो एसिड शब्द ही नहीं हम दे सकते हैं, ये एटलीस्ट एसिडिक है, वीक एसिड ही सही, बट दे आर एसिडिक इन नेचर। इसी तरह से बच्चों हम रेजोनेंस का या मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन एरोमेटिक अमीन में भी बच्चों हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, अमोनिया और अमीन्स बेसिक होते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने के कारण ये बहुत ही रेडली बच्चों H+ के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, एक कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है। नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है भी और H+ इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर देता है। फ्रेंड्स,
अमीन या फिर अमोनिया कंपाउंड के बेसिक नेचर होने का राज छुपा है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एच प्लस इसके पास आएगा। लेकिन अगर हम एलिफेटिक अमीन की जगह पर एरोमेटिक अमीन को देखें तो हम क्या पाते हैं बच्चों, एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है। ये लोन पेयर रेजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है और डीलोकलाइजेशन के बाद हम ये पाते हैं कि नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाता है। अब बच्चों ऐसे में हम ये पा रहे हैं कि रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया, भाग गया, बेंजीन रिंग के ऊपर चला गया। अब ऐसे में अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे या इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या वो एच प्लस के साथ रिएक्ट करेगा? कतई नहीं। नाइट्रोजन का प्लस चार्ज तो एच प्लस को रिपेल करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हम ये पा सकते हैं कि एरोमेटिक अमीन की जो बेसिक पावर है वो रेजोनेंस के कारण कम हो गई है। फ्रेंड्स इन दोनों ही फैक्ट्स को आपने याद रखना होगा, ये हमारी क्लास 12th, क्लास 11th और ITJEE नीट केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों हमारे दो फैक्ट्स हैं कि एरोमेटिक एल्कोहल, बच्चों एरोमेटिक एल्कोहल या फिनॉल रेजोनेंस के कारण ज्यादा एसिडिक होते हैं और एरोमेटिक अमीन रेजोनेंस के कारण कम बेसिक होते हैं। इन दोनों चीजों को बच्चों हमने याद रखना है। अब फ्रेंड्स इन दोनों पॉइंट का एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से अपने दूसरे मॉलिक्यूल में या फिर सवालों में करेंगे, किस तरह से हम ये मेसोमेरिक इफेक्ट या बच्चों रेजोनेंस का कंसेप्ट हम लोग बच्चों किस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को निकालने में करेंगे, उसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हमारा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में फुल वीडियो जो हमारा होने वाला है अगला, जिसमें कि हम पूरे के पूरे बच्चों कंसेप्ट को जानेंगे, ए टू जेड पूरे के पूरे अप्रोच जानेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी कैसे कंपेयर करते हैं, उसके लिए एक स्टार्टिंग बच्चों पॉइंट है, उसके लिए बच्चों एक वार्म अप प्रैक्टिस है। इस वीडियो के बाद ही बच्चों हम मैच्योर हो पाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का फुल्ली एसिडिक और बेसिक बिहेवियर कैसे कंपेयर करते हैं, उसके लिए बच्चों हम मैच्योर हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि ये पिछला वीडियो और आने वाले वीडियो के बीच में ब्रिजिंग कंसेप्ट का बच्चों काम करेगा। फ्रेंड्स अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो हमसे बच्चों पूछा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूल में जो तीन नाइट्रोजन दिए गए हैं उनमें से कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और अगर आप उसके बाद तीनों नाइट्रोजन का बेसिक ऑर्डर कंपेयर करें तो बच्चों और भी अच्छा होगा। फ्रेंड्स नाइट्रोजन बेसिक तब तक है जब तक उनके पास क्या है, लोन पेयर है। फ्रेंड्स नाइट्रोजन बेसिक तब तक है जब तक उनके पास क्या है, लोन पेयर है। अब अगर लोन पेयर रेजोनेंस के कारण आ जाता है या चला जाता है तो उससे बच्चों बेसिक पावर कम होगी। अगर लोन पेयर और आ जाता है तो बेसिक पावर बढ़ जाएगी, और अगर लोन पेयर चला जाता है तो बेसिक पावर कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इन तीनों ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो तीनों की तरह नाइट्रोजन बेसिक है, बट इस नाइट्रोजन के बगल में पोलर पाई बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन के बगल में बच्चों माइनस एम वाला ग्रुप लगा हुआ है, और ये माइनस एम वाला ग्रुप बच्चों ये माइनस एम वाला ग्रुप इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर आप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, पोलर पाई बॉन्ड वाले ग्रुप माइनस एम इफेक्ट अप्लाई करते इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उससे बच्चों इस नाइट्रोजन की बेसिक पावर कम होगी। सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप माइनस एम वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिस कारण से इसकी बेसिक पावर भी कम हो जाएगी। बच्चों ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, इस लोन पेयर का बच्चों इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, जिस कारण से कंपैरेटिवली हम पाएंगे तो हम ये पाएंगे कि ये नाइट्रोजन कंपैरेटिवली बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो अगर हमें इन तीन मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हम ये बोलेंगे इन दोनों नाइट्रोजन पे कार्बोनिल का माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लगने से इनके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये कम बेसिक होंगे, तो बच्चों थर्ड इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक एज कंपेयर टू वन एंड टू। नाउ कम्स अ ट्रिकी पार्ट कि वन एंड टू में कौन ज्यादा बेसिक होगा। बच्चों वन एंड टू में बेसिक पावर कंपेयर करने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन लेना होगा। इस नाइट्रोजन पर माइनस एम लग रहा है, इस नाइट्रोजन पर भी माइनस एम लग रहा है, माइनस एम के अलावा और क्या लग रहा है बच्चों, इस नाइट्रोजन के ऊपर ये नाइट्रोजन भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। इन दोनों में रेजोनेंस तो होगा नहीं, दो लोन पेयर आपस में रेजोनेंस तो करेंगे नहीं, तो बच्चों ये नाइट्रोजन के ऊपर हमारा ये दूसरा नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। वही दूसरी तरफ ये नाइट्रोजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन का ना प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड जिस कारण से हम ये पाएंगे कि फर्स्ट और सेकेंड में बच्चों कंपैरेटिवली इस नाइट्रोजन की बेसिक पावर थोड़ी सी और कम होगी क्योंकि इसके ऊपर
माइनस एम के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा बेसिक होगा 3, देन आफ्टर दैट होना चाहिए 1, और सबसे लीस्ट बेसिक होना चाहिए, ठीक है, सबसे लीस्ट बेसिक होना चाहिए बच्चों। दोस्तों ये मत समझना कि अगर हम इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटोनेशन कर देते हैं तो प्लस चार्ज आ जाएगा, वो प्लस चार्ज ये लोन पेयर से स्टेबलाइज होगा। बच्चों एन प्लस रेजोनेंस नहीं करता है, एन प्लस बच्चों रेजोनेंस नहीं करता है क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ही लगाना होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो 3-1 वही है। चलिए फ्रेंड्स इस चीज को अगले सवाल में भी जरा देखते हैं। हमसे इन मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन की बेसिक पावर को देखना है। बच्चों देखिए नाइट्रोजन तब बेसिक होगा जब उसके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर चले जाते हैं, रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो बच्चों उसकी बेसिक पावर कम हो जाएगी। फ्रेंड्स इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नाइट्रोजन की बेसिक पावर को कम करेगा। इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें नाइट्रोजन दो दो लोगों से रेजोनेंस कर रहा है, बेंजीन से भी कर रहा है और कार्बोनिल ग्रुप से भी कर रहा है, इसकी बेसिक पावर दो फैक्टर्स के कारण कम होगी। बेंजीन भी इसके इलेक्ट्रॉन खाएगा और कार्बोनिल ग्रुप भी इसके इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो ये तो बहुत ही कम बेसिक होगा। बच्चों इस नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन ना तो इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है ना ही इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन हमको कंपैरेटिवली काफी अच्छा खासा बेसिक लगता है। इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो बच्चों ये नाइट्रोजन की बेसिक पावर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस के कारण काफी हद तक कम हो जाएगी। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन क्या होगा, तो बच्चों हमें लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन सी होगा, C1, 2 और 4, मतलब ए बी और डी की तुलना में हमें बच्चों काफी ज्यादा बेसिक लगता है, ए बी और डी की तुलना में काफी ज्यादा बेसिक लगता है। नाउ लेट्स द ट्रिकी पार्ट कि भाई ए बी और डी में क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। फ्रेंड्स अगर हम ए बी और डी में बात करें तो हम ये पाते हैं कि ए में ये जो मॉलिक्यूल है ये एक एरोमेटिक अमीन है, यहां पर सिर्फ एक ही लेवल का रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे दो लेवल का रेजोनेंस हो रहा है और यहां पर भी बच्चों एक लेवल का रेजोनेंस हो रहा है। फ्रेंड्स हमें ये लगता है कि ए बी और डी में जो मॉलिक्यूल सबसे कम बेसिक होना चाहिए दैट शुड बी बच्चों हमारा बी। बी हमारा सबसे कम बेसिक होना चाहिए क्योंकि वहां पे डबल लेवल का रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को दो लोग खा रहे हैं, तो बच्चों हमें ऐसा लगता है कि बी सबसे कम बेसिक होना चाहिए। बी बच्चों सबसे कम बेसिक होना चाहिए क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो रहा है, एक्स्ट्रा डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर हो रहा है। सो बी सबसे कम, सी सबसे ज्यादा, बीच में बचते हैं ए और डी। अब बच्चों सवाल आता है कि ए और डी में कौन ज्यादा बेसिक होगा। बच्चों अगर हम डी को देखें तो बच्चों डी में नाइट्रोजन के बगल में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसका माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट है, कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आई माइनस एम इफेक्ट है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। यस बेंजीन में भी रेजोनेंस होगा, बेंजीन में भी रेजोनेंस होगा, लेकिन बेंजीन का जो रेजोनेंस होता है वो एक माइल्ड लेवल का होता है। बेंजीन एक सीधा साधा बनता है, इलेक्ट्रॉन दोगे तो ले लेगा, मांगोगे तो दे देगा, तो बेंजीन का बच्चों कोई बहुत ही हार्श इफेक्ट नहीं होता है। बेंजीन में सिर्फ डीलोकलाइजेशन है, यहां पर माइनस आई और माइनस है। तो फ्रेंड्स हम इसको अगले टर्न पे भी जानेंगे कि अमाइड अमीन की तुलना में कम बेसिक होते हैं, अमाइड अमीन की तुलना में कम बेसिक होते हैं, अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। तो ये अमाइड है, ये अमीन है, बच्चों अमीन हमेशा अमाइड से ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। तो सी सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद अमाइड और अमीन में अमीन बच्चों ज्यादा बेसिक होता है, तो उसके बाद ए आना चाहिए, उसके बाद डी आना चाहिए, एंड सबसे बेकार होगा बी, क्योंकि बी हमारा अमाइड भी है और इसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल का बच्चों रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर अप्लाई होता है। तो सो अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इन मॉलिक्यूल में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। बच्चों ये सारे ही मॉलिक्यूल हमारे एरोमेटिक अमीन हैं। हम इस सवाल को इसलिए कर रहे हैं सो दैट आप मेसोमेरिक इफेक्ट को बच्चों अप्लाई करना सीख जाए। आप कितने अच्छे से बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई करते हैं इस चीज को बच्चों में प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। आज का वीडियो नेक्स्ट टर्न के वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ब्रिज का काम करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाले वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों देखिए ये सारे मॉलिक्यूल एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, दे ऑल आर एरोमेटिक अमीन। सभी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ऐसे में सब में जो नॉन कॉमन ग्रुप है, जो नॉन कॉमन ग्रुप है, हमें उसके इफेक्ट को देखना है कि वो नॉन कॉमन ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल की बेसिक पावर को बढ़ाएगा या घटाएगा। फ्रेंड्स इस तरह के सवालों में हमको ये देखना होता है कि ये जो डिफरेंट ग्रुप है ये हमारे
प्यारे लाल, ये जो डिफरेंट ग्रुप है ये हमारे आंखों के तारे, ये हमारे जो मेन बंदा है हमारे मॉलिक्यूल का NH2 पे क्या असर लगाता है। फ्रेंड्स मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, हमें इस मॉलिक्यूल में बेसिक स्ट्रेंथ को बच्चों देखना है, और बेसिक स्ट्रेंथ कहां से आ रही है, NH2 से आ रही है। तो ये हमारी आंख का तारा है, ये हमारा आंख का तारा है, ये हमारा बच्चे की तरह है बच्चों, ये हमारा सब कुछ है, ये हमारी दुनिया है। बेसिक मॉलिक्यूल कहां से हो रहा है, मॉलिक्यूल बेसिक क्यों है, NH2 के कारण है। तो यही आपका बच्चों सब कुछ है, यही आपका दिल है। सो हमें देखना है कि ये जो डिफरेंट ग्रुप है, ये जो OH है, ये हमारे NH2 के ऊपर क्या असर लगा रहा है, ये हमारे NH2 की बेसिक पावर को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये हमको देखना है। तो फ्रेंड्स इन सवालों में हमको यही देखना है कि जो एडिशनल ग्रुप है वो हमारे बेसिक पार्ट के ऊपर क्या असर लगा रहा है, वो हमारे बेसिक पार्ट की बेसिक पावर को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये हमको देखना होगा। बच्चों देखिए यहां पर ये जो OH है ये NH2 के पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, और मेसोमेरिक इफेक्ट का असर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से फील होता है। तो ये जो OH है ये अपना मेसोमेरिक इफेक्ट इस NH2 के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि पैरा पोजीशन पे। अब हमको ये बताना है कि OH का मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। OH इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब माइनस एम होता है, या इलेक्ट्रॉन देता है प्लस एम होता है। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने सही पहचाना, आप लोगों की आवाज मुझे बच्चों सुनाई दे रही है कि सर OH आपने बताया था पिछले वीडियो में लोन पेयर वाला ग्रुप है, लोन पेयर वाले बंदे इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो सर OH का प्लस एम इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो OH है ये इलेक्ट्रॉन देगा, कहां कहां देगा, ऑर्थो पे देगा और पैरा पे देगा। सो ये जो पैरा से इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर होंगे, ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर होंगे। इन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आने से, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन के आने से यहां पर बच्चों H+ का आना इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हमें इस मॉलिक्यूल के बारे में बच्चों डिस्कस करना हो कि ये मॉलिक्यूल में OH का क्या असर होगा, दोस्तों ये जो OH है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्रेंड्स ये जो OH है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को बच्चों इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके ऊपर H+ का आना आसान हो जाएगा। इस चीज को बच्चों हमने याद रखना है, इस चीज को दोस्तों हमें समझना है। तो ये OH इस NH2 की बेसिक पावर को बढ़ा रहा है बच्चों, ये OH इस NH2 की बेसिक पावर को बढ़ा रहा है, इस चीज को दोस्तों हमने ध्यान रखना है, ठीक है। सो NH2 का प्लस एम इफेक्ट हमारे नाइट्रोजन के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, और इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस कारण से बच्चों उसकी बेसिक पावर बढ़ेगी। तो ये OH प्लस एम इफेक्ट से बेसिक पावर को बढ़ा रहा है बच्चों, प्लस एम इफेक्ट बेसिक पावर को बढ़ाता है, प्लस एम इफेक्ट बेसिक पावर को बढ़ाता है, याद रखेंगे। अब यहां पे ये जो OH है ये इस NH2 के मेटा पोजीशन पे है, दोस्तों रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट का असर मेटा पोजीशन से नहीं लगता है। तो ये जो बच्चों OH है ये हमारे आंखों के तारे, हमारे प्यारे लारे, हमारे राज दुलारे के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं करेगा। यहां पे OH NH2 के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। जब दो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे होते हैं तभी उनके बीच में रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव होता है, मेटा पोजीशन से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है। तो फ्रेंड्स ये जो OH है ये हमारे NH2 के ऊपर, हमारे बेसिक पार्ट के ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि आपने सही बोला सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसकी बेसिक पावर कम होगी। तो फ्रेंड्स यहां पे माइनस आई इफेक्ट के कारण इसकी बेसिक पावर कम होगी, BP माइनस आई इफेक्ट से कम होता है, बेसिक पावर माइनस आई इफेक्ट से कम होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो H+ का आना मुश्किल होगा, H+ तभी तक आएगा जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर OME का प्लस एम इफेक्ट है, और प्लस एम इफेक्ट पैरा पोजीशन से लगेगा, बेसिक पावर बढ़ेगी, और यहां पे क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका हमने हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट लेना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से बच्चों इसकी बेसिक पावर कम होगी। तो फ्रेंड्स इस सवाल के द्वारा हमको यह भी समझ में आ रहा है कि एसिडिक पावर माइनस आई इफेक्ट से बढ़ती है और बेसिक पावर प्लस आई इफेक्ट से बढ़ती है। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में भी याद किया था, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, और ये कंसेप्ट मेसोमेरिक इफेक्ट में भी एप्लीकेबल होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी आप इस चीज को याद रखें कि बेसिक पावर प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट से बढ़ती है, एसिडिक पावर माइनस आई और माइनस एम से बढ़ती है। तो फ्रेंड्स इस मॉलिक्यूल में सबसे पहली चीज तो हमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना सीखना आना चाहिए कि OH क्लोरीन OME का क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। जिन एटम के पास लोन पेयर है और ऑर्थो पैरा पे है तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण क्या होगा आपको पता है।
जो एटम मेटा पोजीशन पे उनका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होगा वो आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ पे बेसिक पावर कंपेयर करनी है तो सबसे ज्यादा बेसिक पावर होगी ए और सी की, ग्रेटर देन बी एंड डी। और ए और सी में किसकी ज्यादा होगी, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि OH का प्लस एम इफेक्ट OR से अधिक होता है, OH का प्लस एम इफेक्ट OR से OME से अधिक होता है। तो बच्चों ए ज्यादा बेसिक होगा, बच्चों ए ज्यादा बेसिक होगा सी से, क्योंकि उसका प्लस एम अधिक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, एच पे जल्दी आएगा। तो ए इज गोइंग टू बी, बच्चों ए इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी एंड डी पार्ट। बच्चों डी में क्लोरीन पैरा पे है, इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा क्योंकि दूर से लग रहा है, दूर से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। और यहाँ पे OH मेटा पे है, मेटा से इंडक्टिव इफेक्ट अधिक लगेगा, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि पास में है, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वीक होगा क्योंकि दूर में है। प्लस एम तो यहाँ पे हमें कंसिडर ही नहीं करना क्योंकि मेटा पोजिशन पे, सो दोनों में बच्चों माइनस आई इफेक्ट है, बट यहाँ पे माइनस आई का इफेक्ट हम लेंगे ज्यादा क्योंकि ये बच्चों मेटा पोजिशन पे है, पास में है। पास में होने से इंडक्टिव इफेक्ट अधिक होता है, दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट काफी वीक होने लगता है। प्रत्येक एटम की दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट की मैग्नीट्यूड 10 गुना कम होने लगती है, ऐसा बच्चों हम लोग डेटा में देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन ज्यादा बेसिक होगा, डी ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लेस लग रहा है, उसमें गिरावट कम होगी, और डी कम बेसिक होगा क्योंकि वहां पर गिरावट ज्यादा है। तो ए और सॉरी डी और डी में डी इज गोइंग टू बी मोर बेसिक एंड डी इज गोइंग टू बी लेस बेसिक। फ्रेंड्स ये यहाँ पे चीजें होंगी। दोस्तों लास्ट सवाल पे आते हैं। इस सवाल में भी बच्चों मेरा आपसे जो मकसद है वो यही है कि आप मुझे बताएं कि किस किस ग्रुप का क्या क्या इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स इस सवाल में भी हमको मॉलिक्यूल का एसिडिक बिहेवियर कंपेयर करना है, और जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हमको देखना होता है कि मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप कौन सा है, मॉलिक्यूल एसिड है क्यों। तो फ्रेंड्स ये सारे मॉलिक्यूल एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, दे ऑल आर फिनॉल। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि फिनॉल हमारा रेजोनेंस के कारण ज्यादा एसिडिक होता है, तो फिनॉल्स हमारे रेजोनेंस के कारण ज्यादा एसिडिक होते हैं, दे ऑल आर फिनॉल एंड फिनॉल्स आर क्वाइट एसिडिक इन नेचर। अब ये सारे के सारे फिनॉल हैं, तो इनमें कंपैरिजन कैसे करें कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। तो फ्रेंड्स हमको ये देखना है कि हमारे फिनॉल के ऊपर, हमारे राज दुलारे के ऊपर, हमारे OH के ऊपर जो दूसरा ग्रुप है, जो डिफरेंट ग्रुप है मॉलिक्यूल्स में, वो डिफरेंट ग्रुप हमारे OH की एसिडिक पार बढ़ाने में हेल्प कर रहा है या मुश्किल कर रहा है। हमें हमारे एसिडिक ग्रुप के ऊपर देखना है, हमें हमारे एसिडिक पार्ट के ऊपर देखना है कि जो सेपरेट ग्रुप है, जो एडिशनल ग्रुप है, वो हमारे एसिडिक ग्रुप की मदद कर रहा है, उससे H+ निकालने में मदद कर रहा है या H+ निकालने में डिफिकल्टी रेज कर रहा है। तो सभी मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि OH के ऊपर जो ग्रुप इफेक्ट लगेगा, जो OH के ऊपर इफेक्ट लगेगा वो कौन सा इफेक्ट है, इसके बारे में आइए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस मॉलिक्यूल में OH के साथ सिर्फ बेंजीन लगी है, और बेंजीन इन सभी में कॉमन है, तो यहां पे कुछ भी नहीं लगे। यहां पे बच्चों OH के साथ OME लगा हुआ है, यहां पे बच्चों OH के साथ OME लगा हुआ है। OME में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर वाला बंदा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, प्लस एम के साथ प्लस आई माइनस आई भी होता है, बट मेन तो बच्चों प्लस एम इफेक्ट ही है। प्लस एम इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये हमारे OH को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर OH के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर OH के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो H+ निकलेगा नहीं, बल्कि H+ तो अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज H+ को होल्ड करके रखेगा, H+ के निकलने में दुविधा होगी, मुश्किल होगी, बंदा कम एसिडिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने याद किया था माइनस आई माइनस एम एसिडिक पार बढ़ाते हैं, ए नेगेटिव, और प्लस आई प्लस एम बेसिक पार बढ़ाते हैं। तो यहां पर जो प्लस एम इफेक्ट है वो हमारी एसिडिक पावर को कम करेगा। बच्चों इस सवाल में मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं क्या इफेक्ट लग रहा है हमारे OH के ऊपर, क्या इफेक्ट लग रहा है। कई बच्चे गलत तरह से चीजों को अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं सर OH का प्लस एम इफेक्ट है, क्या बात करो यार, OH का प्लस एम इफेक्ट तुम जानते हैं, बट हमें OH का इफेक्ट नहीं देखना, हमें ये देखना है कि जो सेपरेट ग्रुप से, जो मॉलिक्यूल में जो दूसरे ग्रुप से, वो हमारे एसिडिक ग्रुप के ऊपर क्या असर लगा रहे हैं। आपको दूसरों का असर एसिडिक पार्ट के ऊपर देखना है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो NO2 लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हैं, बोलो बोलो बोलो, वो NO2 लगे हैं बच्चों मेटा पोजिशन पे, और बच्चों मेटा पोजिशन से सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पे दोनों NO2 ग्रुप मेटा पोजिशन से माइनस आई इफेक्ट लगा करके एसिडिक पावर को बढ़ाएंगे, एसिडिक पावर को बढ़ाएंगे माइनस आई से बच्चों एसिडिक पावर बढ़ेगी, सॉरी गलती से उल्टा लिख दिए थे, तो माइनस आई के कारण हमारे इस OH की एसिडिक पावर बढ़ेगी।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो NO2 है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन से NO2 का रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे। NO2 का माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होता है। NO2 का बच्चों माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होता है। यहां पर भी माइनस एम के कारण एसिडिक पार बढ़ेगी, यहां पर भी बच्चों माइनस एम के कारण एसिडिक पार बढ़ेगी। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों के दोनों काफी जबरदस्त एसिडिक होंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस एम लग रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि भैया डी और ई ज्यादा एसिडिक हैं एज कंपेयर टू हमारे किससे, एज कंपेयर टू हमारे सी से, एज कंपेयर टू हमारे ए से और बी से। B को हमने सबसे कम एसिडिक लिया है क्योंकि B में तो एसिडिक बिहेवियर में गिरावट आ गई। B सबसे कम एसिडिक होगा। C थोड़ा एसिडिक है बट बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से काफी वीक इफेक्ट होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे D और E क्योंकि उनमें माइनस एम लग रहा है, उसके बाद C क्योंकि उसमें माइनस आई लग रहा है, फिर A इसमें कुछ नहीं लग रहा है एटलीस्ट गिरावट तो नहीं है, और सबसे कम एसिडिक होगा बी। अब बच्चों यहां पे सवाल आता है कि डी और ई में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो फ्रेंड्स ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट होता है, हमें इस चीज को बच्चों याद रखना होता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक होता है क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एच का निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों यहाँ पे एक एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है OH के H और NO2 के O में। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाता है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कोवेलेंट बॉन्ड से भी बंधा हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी बंधा हुआ है, तो ऐसे में इस मॉलिक्यूल से एच प्लस को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब हमें एच प्लस को निकालने के लिए दो बॉन्ड तोड़ने। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट हमको याद रखना होता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हिसाब से बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा और ऑर्डर हमारे पास ये आ गया। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था दैट वाज ऑल अबाउट कि आप ग्रुप्स का मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को कंपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरह से रेगुलर वीडियोस पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी IITG और नीट की प्रिपरेशन इसी तरह से चले, आपको शॉर्ट वीडियोस के द्वारा सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बच्चों रिवाइज हो जाएं, जल्दी से आप उनको मेमोराइज कर सकें, और जितने भी बच्चों थोड़े से ट्रिकी चीजें होती हैं वो भी आपको शॉर्ट वीडियोस के द्वारा टू दी पॉइंट चीजें मिल जाएं, तो फ्रेंड्स आपको हमारे स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए। हम सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म तो बच्चों फुली एक्टिव हैं। आप हमारे स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म को इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी बच्चों पा सकते हैं जहाँ पे हम बहुत ही रेगुलर पोस्ट करते हैं अबाउट की कंसेप्ट्स, की रिएक्शंस जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पे बच्चों हम लोग रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं जो कि आपकी केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट को बच्चों ब्रशअप कर देंगे, केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट के रिविजन और प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो वो इसी तरह से बच्चों वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर IIT JEE एंड नीट 2022 प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।